इस बीच बड़ी खबर आई गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले रफा बॉर्डर पर। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद पहली बार रफा बॉर्डर को खोल दिया गया। रफा बॉर्डर 7 अक्टूबर के बाद से ही बंद था और इसराइल लगातार वहां बमबारी कर रहा था। गाजा में कई विदेशी नागरिक भी फंसे हुए थे जो गाजा से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। गाजा पट्टी में मौजूद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी रफा बॉर्डर का खोला जाना जरूरी था, जिसके बाद रफा बॉर्डर को खोल दिया गया। 7 अक्टूबर के बाद से ही मिस्र ने इस रास्ते को बंद कर दिया था और दुनिया के कई देश लगातार उससे इसे खोलने की अपील कर रहे थे, क्योंकि गाजा में फंसे लोगों के निकलने के लिए यही इकलौता रास्ता है। लेकिन मिस्र का आरोप है कि इस इलाके में इसराइल ने इतनी बमबारी कर दी कि उसे मजबूरन इसे बंद करना पड़ गया था। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद से जारी इसराइल की कार्रवाई के करीब 25 दिन बाद मिस्र ने इस बॉर्डर को खोल दिया। रफा बॉर्डर गाजा और मिस्र के बीच मौजूद सीमा है, जिसके जरिए गाजा में फंसे लोग मिस्र के रास्ते सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि गाजा बाकी 3 तरफ से इसराइल से घिरा है और इन तीनों सीमाओं पर इसराइल घात लगाए बैठा है। जिसके बाद अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने मिस्र से रफा बॉर्डर खोलने की अपील की थी, जिसके बाद मिस्र ने पहले इस बॉर्डर के जरिए गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई, उसके बाद इसे शरणार्थियों के निकलने के लिए खोल दिया। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा खतरा इसराइल की बमबारी का, जिसके लिए अमेरिका ने मिस्र को यह भरोसा दिया कि जब तक रफा बॉर्डर से शरणार्थी नहीं निकलते इसराइल वहां एक भी गोली नहीं चलाए। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में अमेरिका समेत कई और देशों के भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और इसी वजह से सबसे पहले वहां फंसे विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला जाएगा, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग अपने सामान के साथ मिस्र और गाजा के बीच मौजूद रफा बॉर्डर की तरफ बढ़ते नजर आए, जहां एक चेक पोस्ट बनाकर उनके पासपोर्ट चेक किए गए, क्योंकि मिस्र ने सबसे पहले वहां फंसे विदेशी नागरिकों को बाहर निकलने की इजाजत दी है, ताकि गाजा में जारी जंग में दूसरे देशों के लोगों की जान न जाने पाए। बताया गया कि इस दौरान करीब 400 से ज्यादा लोगों ने रफा बॉर्डर को पार किया और मिस्र में एंट्री ले ली। इसके अलावा गाजा के ही 90 घायलों को भी वहां से निकाला गया, क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी थे और इलाज की पर्याप्त सुविधा न मिलने की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इस बॉर्डर के खुलने के बावजूद गाजा के लोगों की समस्या कम नहीं होने वाली, क्योंकि मिस्र और जॉर्डन दोनों ही देश गाजा के लोगों को अपने यहाँ शरण देने से पहले ही मना कर चुके। मतलब रफा बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ गाजा में फंसे विदेशी नागरिक बाहर निकल सकेंगे, जबकि गाजा के लोगों को कोई भी देश शरणार्थी के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। गाजा के सबसे करीब मौजूद मिस्र और जॉर्डन दोनों ही इस मामले में पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों देशों का मानना है कि अगर गाजा के लोग वहां आए तो उन देशों में शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि जॉर्डन के शासक तो इस मामले में सीधे सीधे चेतावनी तक दे चुके हैं। इसके अलावा इस जंग में हमास के सबसे बड़े मददगार के तौर पर उभरे तुर्की और ईरान ने भी गाजा के लोगों को अपने देश में शरण देने के मामले में चुप्पी साधी हुई है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अरब लीग रेजोल्यूशन को माना जा रहा है। ये मुस्लिम देशों के बीच हुआ एक ऐसा समझौता है जो अब गाजा के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस समझौते के तहत तुर्की और ईरान समेत कई मुस्लिम देशों ने दशकों पहले ही फिलिस्तीन की किस्मत का फैसला कर दिया था। 9 मार्च 1959 को हुए इस समझौते के तहत दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीन के नागरिकों को न तो अपने देश की नागरिकता देगा और न ही उन्हें अपने देश में शरण दे सकेगा, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से फिलिस्तीन की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन छोड़ देंगे तो इसराइल के खिलाफ उनकी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण ले लेंगे और ऐसा होते ही इसराइल उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेगा, जिसका मतलब यह होगा कि ईरान और तुर्की जैसे देश फिलिस्तीन की जिस लड़ाई में सालों से उसकी मदद करते आ रहे हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए फिलिस्तीन ही नहीं बचेगा। इसी वजह से मुस्लिम देश गाजा तक राशन पानी तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को अपने देश में शरण देने से पूरी तरह इनकार कर चुके हैं। लेकिन इस जंग के दौरान सिर्फ गाजा के लोग ही नहीं बल्कि कई विदेशी नागरिकों की जान पर भी बनाई, क्योंकि वो इसराइल के पलटवार के दौरान गाजा में फंस गए और माना जा रहा है कि उन्हें वहां से निकालने में सबसे अहम भूमिका कतर ने अदा की। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने इसराइल, हमास और मिस्र के बीच बातचीत का रास्ता खोला, क्योंकि रफा बॉर्डर के जरिए लोगों को निकालने के लिए इन तीनों का राजी होना बेहद जरूरी था, और माना जा रहा है कि इसी वजह से कतर ने इनके बीच समझौता कराया जिसमें उसने अमेरिका की भी मदद ली। रॉयटर्स के मुताबिक कतर के कहने पर ही इसराइल ने रफा बॉर्डर पर बमबारी रोकी और फिर उसे गाजा के लोगों की मदद के लिए खोला गया, जिसके बाद पहले वहां राहत सामग्री पहुंचाई गई और फिर गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को वहां से निकालने के लिए मिस्र के रास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन इस बॉर्डर के खुलने के बाद ये सवाल भी उठने लगे कि आखिर ये फैसला जंग की शुरुआत में ही क्यों नहीं लिया गया।
हालांकि इसराइल ने इन सवालों का जवाब देते हुए ये साफ कर दिया कि मिस्र से लगने वाली गाजा की सीमा उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि इसराइल का आरोप है कि रफा बॉर्डर ही वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से हमास पर आज तक नकेल नहीं कसी जा सकी। इसराइल के मुताबिक उसने गाजा में एक्टिव हमास के नेटवर्क को तबाह करने के लिए गाजा को तीन तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन गाजा की चौथी सीमा मिस्र से लगती है और इसराइल का आरोप है कि इसी रफा बॉर्डर के आसपास ही हमास ने सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है। העיר עזה היא מרכז הכובד של שלטון חמאס. हालांकि इसराइल ने यह भी साफ कर दिया कि वो मिस्र या किसी और देश की तरफ से की गई गाजा को मदद को रोकने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो इस मदद की आड़ में हथियारों की तस्करी से परेशान, जिसे वो किसी भी कीमत पर रोककर ही रहेगा।